नमस्कार जोहार दोस्तों, बस्तर वासी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो हमारी एक्सप्रेस फिर से आ चुकी है तीरिया के घने और खूबसूरत जंगलों में। देखिए, हम अभी एक गांव में हैं और इससे आगे बढ़ रहे हैं, और पिछली बार जहां से हम वापस लौटे थे उस जगह की ओर जाएंगे। सामने देखिए, कुछ महिलाएँ अपने सर में लकड़ी वकड़ी ले कर जा रही हैं, गाँव की महिलाएँ। चलिए इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। गांव का माहौल है बहुत ही मनोरम है, कितनी शांति है। और ये गांव जंगली गांव है, मतलब जंगल के बीच में बसा हुआ है, वनग्राम है। देखिए केले, इसे कदली कहा जाता है, छोटा केला है। और सरकार ने थोड़ा बहुत प्रयास किया है विकास पहुंचाने का, सोलर पंप लगा हुआ है सौर सुजला का। और ठीक है, काफ़ी बढ़िया माहौल है, ऐसी जगह में रहने में तो काफ़ी मज़ा आता है। रास्ता ना जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे खराब होता जा रहा है। खतरनाक रास्ता, और नीचे कोई पेड़ वेड़ कटाई हो रहा है। बहुत देर बाद एक कुत्ता दिखा कि नहीं बरसात है नहीं, लेकिन अभी भी यहाँ पे कीचड़ है इस रास्ते में। आगे कैसा होगा रास्ता हमें कुछ भी नहीं मालूम है, और हम चले जा रहे हैं घने जंगली रास्तों पे। दोस्तों, पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो गांव वालों के बोलने के बाद इन जगहों से मुझे लौटना पड़ा था। उसकी लिंक आई बटन में दे रहा हूँ उस वीडियो की, उसे देखिएगा। तो चलिए अब इस जगह में जहाँ मैं पहुँच चुका हूँ, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और उस गुफा को देख के आते हैं जहाँ मैं पिछली बार जा रहा था और वापस लौटना पड़ा था। ये रास्ता है, ये कच्चा रास्ता। आगे वो दादा जा रहा है ना, उससे कंफर्म करते हैं कौन सा रास्ता है। लेकिन घनघोर जंगल है, और आगे ना मेरे को लगता है कि ना कोई पहाड़ी वाड़ी है या नदी वदी है, इस तरह से ढाल दिखना है। दादा, गुफा कौन बाटा है? ये रास्ता में जी भी आचे। आले आले बस बस आ बस आ। रास्ता सही है ना दादा? हाँ। गुफा में कैसी मंदिर मंदिर आएगा है मुझे खुद होता है। मस्त जगह पहुंच गया यार ये तो। अब घनघोर बियाबान जंगल में एक ऐसी जगह हम पहुंच गए हैं जहां पे एक छोटा सा नाला बह रहा है, और इसे हमें पार करना है पैदल। हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आगे यहीं कहीं पे पास में वो गुफा है जिसे हम देखने आए हैं, और मेरे ख्याल से सामने वाले हिस्से में ही है। इस सामने वाले हिस्से में ही जो दिख रहा है वही वो गुफा है जिसे हम देखने आए हैं। और यहाँ से कैसे उतरा जाए, चट्टानों पर से उतरना पड़ेगा। हाँ, सामने के हिस्से में गुफा है, इसे महादेव गुफा बोलते हैं। और सामने से हमारा गोंचू दादा जो हमको यहाँ तक लेके आया। अब देखिए, ये छोटी सी नदी बह रही है, और आगे तो बहुत बियाबान घनघोर जंगल हैं, और ये सामने है गुफा। और भगवान
शिव के नाम पे इस गुफा का नाम महादेव गुफा है। मेरे ख्याल से पहली बार ही कोई आपको दिखा रहा होगा इसे ऑन स्क्रीन। बहुत ही दूरस्थ और खतरनाक एरिया है। रास्ते में हमने देखा कि पुलिस की गश्त थी और पुलिस वाले गश्त कर रहे थे। बहुत सेंसिटिव एरिया है और कोई भी यहाँ नहीं आता है और आने से घबराते हैं। ऐसा तू दिखाया था दादा हैं? हाँ, ये हमारे लोकल गाइड गोंचू दादा हमको गुफा की तरफ लेके चल रहे हैं। और क्योंकि धार्मिक स्थल है, भगवान शिव का निवास स्थान है, तो जूते उतार दिए हैं, पैर में कांटे वाटे गड़ रहे हैं। बहुत ही खतरनाक जगह लग रही है मेरे को ये, और डर भी लग रहा है भाई। ऐसी जगहों पे आते रहता हूँ, फिर भी थोड़ा सा डर तो है। देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं हमको। हालांकि अभी हमारे पास ना ही टॉर्च है, ना ही ऐसा कुछ, तो मैं पूरी अंदर गुफा के नहीं ले जाऊँगा। मोबाइल का टॉर्च ऑन करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कैमरा बंद करना पड़ेगा। ये है गुफा और यहाँ पे सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ शायद प्रशासन ने लगा दी है। गुफा का रास्ता बहुत ही गहरी गुफा है। मैं हिम्मत नहीं करता हूँ गुफाओं में उतरने की, पर थोड़ा हिम्मत कर रहा हूँ। और मेरे पास लगता है जो टॉर्च है उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते और छोटे मोटे में कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये देखिए, ये है महादेव गुफा। नीचे एक और चैम्बर है, देख इससे आगे ये है गुफा। क्योंकि अंधेरा है, कोई सीन नहीं आएगा और कोई है भी नहीं गाइड, तो रिस्की है आगे बढ़ना। चलिए यहीं से वापस होते हैं। ये देख लीजिए गुफा का मुहावना है और लगभग लगभग 50 से 60 फीट ये सीढ़ियाँ ले जा रही हैं। और इसके बाद नीचे बड़ा कक्ष है जिसमें भगवान शिव की प्रतिमा है। क्योंकि हमारे पास लाइट की उचित व्यवस्था नहीं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। तो दोस्तों यही है रहस्यमय जंगल, जहाँ कोई नहीं पहुँचता है वहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं। और काफ़ी डरावना है जगह। ये देखिए, पता नहीं अंदर जंगल में नाला कहाँ विलीन होते जा रहा है। थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा है, काफ़ी खूबसूरत सीन है। हाँ, पर डरावना भी ज़रूर है, अकेले आना बहुत डरावना है। और इसीलिए तीरिया के जो जंगल हैं इतने रहस्यमयी हैं, कोई आता जाता नहीं है। उस गुफा में घुसने की मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मैं ज़्यादा उसके बारे में अब जानता नहीं हूँ। ये सामने ग्रामीण देवी स्थल है और यहाँ पूजा पाठ होता है। देखिए ये मृण मूर्तियाँ चढ़ाई गई हैं ग्रामीणों द्वारा, जो संभवतः अपने देवी देवताओं के सम्मान में चढ़ाई जाती हैं। और नीचे गुफा में विशाल शिवलिंग है जिसकी पूजा होती है। और ऐसा बताया जाता है कि शेर भी हैं यहाँ पे। और ये देखिए, ये बोर्ड लगा दिया गया है, महाशिवरात्रि में शायद यहाँ पे मेला वेला लगता होगा। ये बड़े बड़े पहाड़ के पत्थर हैं और जंगल तो इतना घना है कि जीव जंतु कहाँ से कौन आ जाए कोई पता नहीं चलेगा। और बहुत ज़्यादा वो जगह है, सुनसान वीरान जगह है। और गाइड लेके ही आप आएँ, संभल के आएँ, सुरक्षित आएँ और ज़रूर आएँ इसे देखने। तो इस महादेव गुफा से विदाई लेते हैं। आगे और खूबसूरत एक दो जगहों के बारे में सुना है, उसे देखते हैं कैसी है वो जगह। इस महादेव गुफा आने से पहले छोटा सा
खेत और खुला मैदान सा पड़ता है। अगर आप आए तो पिकनिक मनाने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। अब हम महादेव गुफा से विदाई लेके तीरिया के इन घने जंगलों को और खोजने चलते हैं। और काफ़ी खूबसूरत जंगल है और काफ़ी प्यारे जंगल हैं, वृक्षों की विशालता देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नई जगह के लिए। वैसे पिकनिक विकनिक मनाने आए तो खाना खाने के लिए बढ़िया जगह है। तो चलिए आगे बढ़ा। तीरिया और माझकोट के घने जंगल जितने घने हैं उतने रहस्यमय भी हैं। हर बार जब मैं यहाँ आता हूँ तो कुछ नया पाता हूँ। इस बार मैंने यहाँ पे महादेव गुफा देखी। हालांकि लोग बहुत पहले से जानते हैं पर ऑन स्क्रीन उसको पहली बार मैं ही दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, जो नया है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम और कैमरे को आराम देता हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय बस्तर, जय भारत, जय माई दंतेश्वरी।